हेलो एवरीवन वेलकम टू रूपास पैशन वर्ल्ड दोस्तों आज मैं आप सबके साथ एक बहुत ही खास रेमेडी शेयर करने वाली हूँ ये रेमेडी आपकी स्किन में ग्लो लेके आएगी अगर आपके स्किन में टैनिंग कालापन दाग धब्बे है उसे दूर करेगी दोस्तों गर्मियाँ आते ही हमारे स्किन में टैनिंग की प्रॉब्लम आ जाती है स्किन में कालापन आ जाता है स्किन डिहाइड्रेट हो जाती है और स्किन से ग्लो कहीं गायब हो जाती है तो आज मैं आप सबके साथ बहुत ही आसान रेमेडी शेयर करने वाली हूँ जिसको इस्तेमाल करने से आपकी स्किन में इंस्टेंट ग्लॉलर फेशियल जैसा ग्लो आएगा आपकी स्किन टोन को ये इम्प्रूव करेगा अगर आपकी स्किन में टैनिंग कालापन या फिर डाक धब्बे हैं इन सारे प्रॉब्लम को दूर करके आपकी स्किन को एकदम लाइटन ब्राइटन और ग्लोइंग कर देगा तो चलिए ज़्यादा वक्त ज़ाया ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं इसके लिए हमें सबसे पहले चाहिए टमाटर आपको यहाँ पर एक लाल और फ्रेश टमाटर लेना है तो मैंने टमाटर को दो हिस्सों में काट लिया है हमें यहाँ पर टमाटर की दो टुकड़े कर लिया है टमाटर खाने के लिए जितना अच्छा है जितना हेल्दी है हमारे स्किन के लिए भी उतना ही अच्छा है टमाटर में भरपूर विटामिन सी होता है जो कि हमारे स्किन से दाग धब्बे को दूर करता है डैमेज सेल को रिपेयर करता है स्किन को लाइट एंड ब्राइटन करता है टमाटर में लाइकोपिन होता है जो कि हमारे स्किन को ब्राइट करती है फेयर करती है स्किन में बहुत ही अच्छा ग्लो लेके आती है अब आपको क्या करना है टमाटर में मैं इस तरह से थोड़ा सा कट लगा रही हूँ इससे क्या होगा हम जब टमाटर को स्किन में अप्लाई करेंगे ना तो बहुत ही आसानी से टमाटर का जो जूस है वो निकल के आएगा दोस्तों हम अपनी स्किन को फेयर बनाने के लिए सुंदर बनाने के काफ़ी सारे महंगे महंगी क्रीम या फिर ट्रीटमेंट का इस्तेमाल करते हैं कभी कभी उसमें साइड इफेक्ट भी आ जाता है लेकिन आप अगर इस तरह से नेचुरल तरीके से अपनी स्किन को केयर करेंगे ना तो ये आपकी स्किन में बहुत ही अच्छा ग्लो भी लेके आएगा स्किन को चमकदार बनाएगा और स्किन को अंदर से फेयर ब्राइटर ग्लोइंग बना देगा स्किन को रिपेयर करेगा इसके बाद मैंने यहाँ पर थोड़ी सी हल्दी लिया है और इस टमाटर के ऊपर मैंने इसे अप्लाई कर रही हूँ थोड़ा सा इसे अप्लाई करना है और बीच बीच में टमाटर को थोड़ा सा क्विज करना है ताकि इसका जो जूस है बहुत ही आ, आसानी से अच्छी तरह से इस टर्मरिक के साथ वो मिल सके टर्मरिक में भरपूर एंटी बैक्टीरियल और एंटी फेंगल प्रॉपर्टीज होती है जो कि हमारे स्किन से दाग धब्बे एक्ने रैशेस इस तरह की प्रॉब्लम को दूर करती है अगर आपकी स्किन में टैनिंग है उसे कम करती है आपके स्किन टोन को इम्प्रूव करती है स्किन को फेयर ब्राइट और ग्लोइंग बना देती है तो अच्छी तरह से टमाटर में मैंने ये जो हल्दी है इसे मिक्स कर लिया है अब इसे हमारे स्किन में बहुत ही अच्छी तरह से मसाज करना है इससे क्या होगा आपकी जो स्किन है वो डीपली क्लीन होगा अगर आपकी स्किन में टैनिंग की प्रॉब्लम है वो भी खत्म हो जाएगी और बीच बीच में टमाटर को इस तरह से क्वीज़ कर लेना है ताकि ये जो जूस है ये अच्छी तरह से निकल सके इससे क्या होगा आपके स्किन में जितनी भी डेड स्किन सेल की लेयर है टैनिंग है गंदगी है पोर्स के अंदर जो जमी हुई मैल है वो बहुत ही आसानी से रिमूव होगा इस तरह से मसाज करने से स्किन में ब्लड सर्कुलेशन होता है जिसकी वजह से स्किन में बहुत ही अच्छा ग्लो आता है आपको इसे अपने फेस पे अप्लाई कर लेना है अगर आपके फेस में मेकअप है या फिर बाहर से आए हुए हैं तो उसे क्लीन कर लीजिए उसके बाद ये इस रेमेडी को ट्राई कीजिए तो अच्छी तरह से मैंने मेरे फेस को इससे मसाज दे दिया है उसके बाद ये टमाटर रस और जो हल्दी है मैं इसे इस तरह से अपने स्किन में अप्लाई कर रही हूँ एज ए फेस मास्क इसे अपने स्किन में पाँच से दस मिनट तक रखना है अगर आपके स्किन में हल्का टैन है तो आप इसे पाँच मिनट तक रख सकते हैं अगर आपके स्किन में बहुत ही ज्यादा टैन है या फिर साउंड बर्न की प्रॉब्लम है तो फिर आप इसे दस मिनट तक अपने स्किन में लगा हुआ छोड़ दीजिए ताकि ये रेमेडी आपकी स्किन में बहुत ही अच्छी तरह से वर्क कर सके तो मेरे फेस में ज़्यादा टैन नहीं है इसलिए मैं इसे पाँच मिनट तक अपने फेस में लगा रहने लूँगी उसके बाद नॉर्मल वाटर से अपनी फेस को अच्छी तरह से क्लीन कर लूँगी फेस को क्लीन करने के बाद आप देख सकते हैं फेस कितना क्लीन क्लियर और ब्राइट हो गई है यह आपकी स्किन से टैनिंग डिस्किनसल की लेयर जमे हुए जो मैल है उसे निकालती है और आपकी स्किन को फेयर ब्राइट और ग्लोइंग बनाती है नेक्स्ट हमें जो टमाटर का दूसरा हिस्सा है वो भी ले लेना है और उसके अंदर मैं ऐड कर रही शुगर शुगर में बहुत ज़्यादा ग्लाइकोलिक एसिड होता है जो कि हमारे स्किन से दाग धब्बे को दूर करता है और स्किन में बहुत ही अच्छा ग्लो लेके आता है स्किन को मॉइस्चराइज करती है और स्किन को हाइड्रेट भी करती है तो अब आपको क्या करना है इस शुगर और टमेटो से अपनी स्किन को बहुत ही अच्छी तरह से मसाज देना है हमने पहले ही साफ़ कर लिया था स्किन को और अब देख ही सकते स्किन कितना क्लीन हो गया है उसके बाद इस तरह से स्किन में शुगर और टमैटो के जूस से अपनी स्किन को मसाज देना है इससे आपके स्किन में बहुत ही अच्छा ग्लो आएगा यह आपकी स्किन से दाग धब्बे को दूर करेगा आपके स्किन को ब्राइट बनाएगा पार्लर जाके महंगे से महंगा फेशियल करने के बाद स्किन में जैसा ग्लो आता है ना ये रेमेडी उससे भी अच्छा ग्लो आपके स्किन में लेके आएगी पार्लर जाके फेशियल हर किसी को सूट नहीं करता है लेकिन इस तरह से अगर नेचुरल तरीके से आप अपनी स्किन को फेशियल करेंगे स्किन की केयर करेंगे तो धीरे धीरे ये आपके स्किन को अंदर से रिपेयर करेगा लाइटन, ब्राइटन करेगा स्किन में बहुत ही अच्छा ग्लो लेके आएगा टमाटर का रस सनबाउ सन टैन को बहुत ही अच्छी तरह से रिमूव करता है अगर आपकी स्किन में बिल्कुल भी ग्लो नहीं है तो भी ये आपके स्किन में बहुत ही अच्छा ग्लो ऐड करती है स्किन को लाइटन, ब्राइटन करती है दाग धब्बे को दूर करती है और स्किन को डीपली क्लीन क्लियर और ब्राइट करती है तो इस तरह से कम से कम तीन से चार मिनट तक आपको इस तरह से मसाज देना है टमाटो और शुगर से और एक बात मैं बता दूं मैंने यहाँ बहुत ही माइल्ड शुगर की जो ग्रैन्यूल्स है उसे यूज़ किया है अगर आपके पास जो शुगर है वो न, बहुत ज़्यादा बड़ा है तो उसे क्रश कर लीजिएगा उसे थोड़ा सा पीस लीजिएगा उसके बाद ही इसे अप्लाई कीजिएगा तो इस तरह से मैंने मेरे फेस को बहुत ही अच्छी तरह से मसाज कर रही हूँ पाँच मिनट तक इसे मसाज करना है मसाज करने के बाद कम से कम फिर से चार से पाँच मिनट तक इसे आपके स्किन में ऊपर छोड़ देना है ताकि ये जो टमाटर का रस और जो शुगर है दोनों आपकी स्किन में बहुत ही अच्छी तरह से वर्क कर सके और ये रेमेडी आपकी स्किन को टाइट भी बनाती है अगर आपकी स्किन में एजिंग साइन आना स्टार्ट हो गई है ना तो इस रेमेडी को करके देखिए दीजिए ये आपकी स्किन से एजिंग साइन को भी दूर करेगा आपकी स्किन को लाइटन ब्राइटन भी करेगा और स्किन में बहुत ही अच्छा ग्लो लेके आएगा तो इस तरह से मसाज करने के बाद मैं 5 मिनट तक छोड़ रही हूँ अपने स्किन में उसके बाद नॉर्मल वाटर से मैं अच्छी तरह से क्लीन कर लूंगी तो दोस्तों मैंने मेरी फेस को अच्छी तरह से नॉर्मल वाटर से क्लीन कर लिया है और आप देख सकते हैं स्किन कितना ग्लोइंग और क्लियर लग रहा है और मैं बहुत ही सॉफ्ट एंड स्मूथ भी फील कर रही हूँ इसके बाद फेस में बहुत ही अच्छी तरह से कोई भी मॉइस्चराइज़र आप लगा सकते हैं जो आपकी स्किन को सूट करे जो आपके बजट को सूट करे तो मैंने अब तक कुछ भी मॉइस्चराइज़र अप्लाई नहीं किया है क्योंकि मैं जो रिजल्ट है वो आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ इसके बाद मैं अपने फेस को ज़रूर मॉइस्चराइज करूँगी इससे स्किन बहुत ही सॉफ्ट एंड स्मूथ हो जाती है स्किन में बहुत ही अच्छा ग्लो आता है स्किन लाइट एंड ब्राइटन हो जाती है तो रेमेडी को ज़रूर ट्राई करना दोस्तों आज के लिए बस इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में